भाई साहब अभी मैं भाग के ना बाहर की तरफ आया हूँ आपको स्पीड दिखाने के लिए ट्रेन का। अभी तो 140 चल रहा है, नीचे में मैक्सिमम स्पीड एक बार आप चेक करो 166 किलोमीटर पर आवर। गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत में कर रहा हूँ आगरा के ताज होटल से। हाँ जी, ताजमहल ज्यादा नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पे, मतलब 2-2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ऑलरेडी आप लोगों ने ये ताज होटल का वीडियो या फिर आगरा का जो फेमस स्ट्रीट फूड है जो कि सदर बाजार में है उसका भी वीडियो सब ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो एंड होने के बाद जाके देख लेना। फिलहाल आज हमारा ट्रेन है दिल्ली के लिए और अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे पास ट्रेन का ऑप्शन ज्यादा रहता है इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ से हम लोग लखनऊ या फिर इस साइड भी जा सकते थे। और कौन सा ट्रेन से जा रहे हैं कौन से नहीं सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा। हमारा जर्नी होने वाला है इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में। एक टाइम का ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन था और अभी भी है, क्योंकि अभी जो वंदे भारत आया है ना, रानी कमलापति वाला जो वंदे भारत आया है वो भी 160 तक जाता है और ये भी 160 किलोमीटर पर आवर तक भागता है। और ऐसा नहीं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये ऐसी स्पीड में जाता है, एक सेक्शन है आगरा और दिल्ली के बीच में, उसी बीच में ये जो ट्रेन है ना इसका स्पीड रहता है 160 किलोमीटर पर आवर। और लकीली जो मेरा जर्नी है ना वो इसी रूट में हो रहा है, आगरा टू दिल्ली। ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का खाना सब कुछ दिखाएंगे आपको गतिमान एक्सप्रेस में। मेरा बहुत दिनों से मन था जर्नी करने का, फाइनली आज वो डे आ गया जो उसमें मैं जर्नी करूंगा। और एक काम करते हैं, अभी होटल को फटाफट चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। ट्रेन तो हमारा शाम को है, ये होटल का जो चेकआउट टाइम है ना वो 12 बजे का है, फिर भी हमें 2.5 घंटा एक्स्ट्रा उन्होंने दिया। भाई थैंक यू सो मच, होटल में भी काफी लोग हमारा वीडियो देखते हैं। सुबह हम लोगों ने केक भी कट किया था, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो। एक काम करते हैं जल्दी से अभी चेकआउट करते हैं रूम को और एक ही बार ये वीडियो को बाहर से ही कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है, जाते हैं रिसेप्शन में और अपने कुछ सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं मिलने के लिए। फिर स्टेशन तो हमें शाम तक जाना है, पता नहीं इतना देर कहाँ टाइम पास करेंगे, लेट्स सी। चेकआउट करवा लो फटाफट। और ये आए रोहित भाई मिलने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। और ये पेठा वेठा क्या क्या लेकर आए हैं? एक्चुअली मैं सोच रहा था पेठा लेने के लिए, पंक्षी पेठा बहुत फेमस है ना, हरी क्या नाम है, हरी पर्वत, हरी पर्वत वो सबसे पुराना वाला है ना? नहीं, सबसे पुराना नूरी गेट पे है। अच्छा, नूरी गेट, हाँ, जो इनका मेन ब्रांच है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी इनकी हरी पर्वत ब्रांच है, एक दूसरे के ब्रांच है। ये कहाँ का है? ये गोपाल दास पेठा, ये भी फेमस है, मिठाई बहुत फेमस है, पेठा बहुत फेमस है। थैंक यू सो मच रोहित भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। हाँ जी, तो अभी हम लोग तो निकल गए होटल से, होटल हम लोगों ने फाइनली चेकआउट कर लिया है और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। कोई यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है द सॉल्ट कैफे। लो जी, यहाँ पे आके हम लोगों ने ले लिया है ये टर्किश चिकन, भैया ने रिकमेंड किया, बोला ट्राई करो बहुत बढ़िया होगा। सॉल्ट कैफे में हम लोग आए थे लंच करने के लिए, लंच हो गया अपना कंप्लीट और अभी मैं इनके रूफटॉप वाले एरिया में आया हूँ। मेरा प्लान था यहीं पे बैठ के लंच करने का लेकिन इतना धूप था ना मैं इसलिए नीचे कर लिया, लेकिन इवनिंग के टाइम में ऊपर बैठ कर खाने में अलग ही मजा आएगा क्योंकि और यहाँ से पूरा आगरा सिटी दिखता है। लेकिन सबसे मेन ये देखो भाई, ताजमहल भी दिखता है, तो देख रहे हो यहाँ से ताजमहल का व्यू भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे चल रहा है मेट्रो का काम, मेरे को ऐसा लग रहा है आगरा का जो मेट्रो है ना बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। और देख लो जी, यहाँ पे स्टेशन जाते जाते ना हम लोगों ने यहाँ पे पंछी का पेठा पैक करवा लिया। वैसे मेरे सब्सक्राइबर भी देख लो, ये भी काफी फेमस है कुछ, ये गोपाल क्या है, गोपाल दास पेठे वाला, इसका भी पेठा काफी फेमस है। भाई ने ये हमें पैक करवा के दिया था लेकिन हम लोगों को घर के लिए भी ले जाना था, तो दालमोट भी ले लिया हम लोगों ने और साथ ही पेठा भी। और मैं बता दूं यहाँ पे ना पंछी का बहुत सारा फेक आउटलेट सब भी है, तो उससे आप बीवेयर रहना। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारा है ट्रेन नंबर 12049 गतिमान एक्सप्रेस। मेरा बहुत दिनों से प्लान हो रहा था ये वाले ट्रेन में मुझे जर्नी करना है गतिमान एक्सप्रेस में, जो कि इंडिया का बोल सकते हो फास्टेस्ट ट्रेन है। हमारा जो ट्रेन है वैसे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, वही अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। ट्रेन का अपना यहाँ पे आने का टाइम है 5:40 का और 5 मिनट का हॉल्ट है अपने ट्रेन का। और मैं बता दूं हमारा बस 1 घंटे 45 मिनट का जर्नी होने वाला है, बहुत ही कम। फिलहाल ये देख लो, ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा छावनी बोल सकते हो आप इसको, कुछ ऐसा माहौल है बाहर का। और अपना ट्रेन वहाँ पे दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, ट्रेन नंबर 12049 गतिमान एक्सप्रेस, 5:40 में आने का टाइम है, प्लेटफॉर्म नंबर 2। जाते हैं अंदर, सामान बहुत सारा है देख लो, 3-3 लगेज हो चुका है। ये लगेज तो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा कल क्योंकि इतना सारा गिफ्ट आइटम हो गया था ना। देखो भाई, मम्मी के लिए साड़ी पसंद आ गया वो ले लिया, कुछ घर वालों के लिए भी ले लिया, मैं बोला चलो ये ले लेते हैं। और अभी देख लो 2 सामान और बढ़ गया, तो सामान ही सामान हो गया है भाई। अब तो चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे इतना लोडेड तो मैं कभी जर्नी करूंगा नहीं। अब हम लोग घर के तरफ ही बढ़ रहे हैं। टाइम देख लो 5:15 हो रहा है, थोड़ी देर में अपना ट्रेन आता होगा स्टेशन में। अभी देख लो टाइम एग्जैक्ट 5:22 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। अभी देखना पड़ेगा अपना ट्रेन, वैसे तो दिखा रहा था बाहर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आ रहा है,
लेट्स सी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से आता है ग्वालियर होते हुए आगरा कैंट, और यहाँ तो दिखा रहा है स्टेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुका है ट्रेन अपना, पता नहीं चेक करना पड़ेगा भाई। आगरा से निकलते ही डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं जाता है, हजरत निजामुद्दीन तक जाता है। मुझे अपना ट्रेन आ भी चुका है, भागना पड़ेगा अभी फटाफट। ये क्या स्टेशन छोड़ दिया क्या? मेरा कॉल आ गया तभी देखा मैं ट्रेन भी अपना एंटर हो गया। यही अपना देख लो गतिमान एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई तक ये जाता है, लेकिन अभी ये ट्रेन आ रहा है वीरांगना लक्ष्मीबाई से हजरत निजामुद्दीन जाने के लिए। और यहाँ आने का इसका टाइम था 5:40 का, बस और एक मिनट में यहाँ से ये निकलने वाला है। फाइनली अपना जो ट्रेन है ना एग्जैक्ट टाइम पे निकल चुका है, 5:45 इसका यहाँ से निकलने का टाइम था। देख लो टाइम, आगरा कैंट से निकलने के बाद ना इसका बीच में कोई स्टॉप ही नहीं है। ये देख लो आगरा कैंट को बाय बाय। लो जी आगरा से हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, जय माता दी। दो दिन था मैं आगरा में लेकिन मजा आ गया। मैं आपको इस ट्रेन का स्पीड दिखाते हैं भाई। बैठ गए अपने सीट पे। फर्स्ट टाइम तेजस को रिव्यू किया था, लखनऊ वाले तेजस को, तब उसका सीट एकदम ऐसे ही हुआ करता था। तो देख लो जी ट्रेन के अंदर एंटर करते ही ये छोटा पानी का बोतल मिल चुका है हमें, क्योंकि बस एक स्टॉप का ही जर्नी है हमारा, एक स्टॉप भी नहीं मतलब नॉन स्टॉप जर्नी है हमारा। लेग स्पेस भी ठीक है, अच्छा खासा लेग स्पेस है, हमारा सामान भरा हुआ है पूरा, ऊपर भी पूरा भरा हुआ है। अभी हम लोग पता है कैसे जर्नी कर रहे हैं, जो टिपिकल इंडियन फैमिली होते हैं ना जो अपने गांव जाते हैं ढेर सारा सामान लेकर, वैसे भी हमारा हाल हो गया, ढेर सारा सामान लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने फ्लाइट अवॉइड किया। एक महीने के बाद घर जा रहे हैं और आते ही पानी का बोतल मिल गया हमें। बाकी देख लो फूड रेस्ट वगैरह काफी बढ़िया है, यहाँ पे मैगजीन पॉकेट है, साफ सफाई भी एक नंबर, सीट का रिक्लाइन भी देख लो कुछ इतना हो जाता है, ये ऊपर भी कर सकती हो, ये जो है ना ये देखो इसको ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, बाकी लाइट काम करता है ना, हाँ लाइट तो काम कर रहा है। वैसे मैं बता दूँ ये जो गतिमान एक्सप्रेस है ना इसमें भी ऑटोमेटिक डोर फिट किया गया था लेकिन अभी खराब हो चुका है, मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा सिस्टम दिखेगा लेकिन अब वो काम नहीं करता है भाई साहब। अभी ट्रेन जस्ट निकला है, 5:45 में ट्रेन अपना निकला था यहाँ से, 7 से 8 मिनट भी नहीं हुआ है, 132 देख लो मैक्सिमम स्पीड टच कर चुका है और ये जाएगा 160 तक। जैसे कि मैंने बताया आपको ये इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है, अभी ये हो गया है वंदे भारत भी हो गया है, 140 टच कर गया भाई, हो बढ़ते जा रहा है स्पीड देख लो। और यहाँ पे हम लोगों ने ना बोतल भी खड़ा करके रखा हुआ है, देखना है कि कितना कंफर्ट है, लाइक कितना हिल रहा है ये। वाओ लो भाई 150 फाइनली, ये 150 वही स्पीड है जो हमारे शताब्दी का था, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने लिया था, लेकिन वो हमारा आगरा कैंट तक था, अगर आगरा कैंट से हम लोग दिल्ली तक आते हैं तब हमें ये स्पीड देखने को मिलता। ये तो 160 अभी टच कर देगा 10 मिनट में ही, 156 155 156 ओहो ओहो 157 हो जा 158 159 एंड फाइनली इट्स 1 चेंज हो जा, अरे यार 160 फाइनली। देख लो जी इंडिया के अभी फास्टेस्ट ट्रेन में हम लोग जर्नी कर रहे हैं 160 किलोमीटर पर आवर। देख लो भाई साहब 160 में भी स्टेबिलिटी देख लो ट्रेन के अंदर का, आज 160 में भाग रहा है, कल 300 में दिखाऊंगा मैं आपको इंडिया में ही बैठकर। हालांकि मैं इस ट्रेन को काफी लेट कवर कर रहा हूँ लेकिन भाई 160 वो भी निकलते ही आगरा कैंट से निकले हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ ट्रेन भाग रहा है 160 में। अभी देखते हैं फूड सर्विस क्या क्या है, मतलब फूड कैटरिंग भी मैंने ऐड करवाया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या आता है, जो भी आएगा 1 by 1 सब कुछ दिखाएंगे आपको। 5:40 का अपना डिपार्चर टाइम था, 7:30 बजे हम लोग हजरत निजामुद्दीन पहुंच भी जाएंगे। वैसे एक और कमाल की बात मैं बता दूं, इस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है ना वही है 107 किलोमीटर पर आवर। सोच लो जिसका एवरेज स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर हो उसका मैक्सिमम स्पीड तो 160 होना बनता ही बनता है। तो वैसे मेरे भी दिमाग में यही था कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन या तो शताब्दी होगा या तो अपना राजधानी होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा,
लेकिन नहीं जी, ये अपना गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत भी हो चुका है, ये दो ट्रेन है। अभी आगरा से निकलने के बाद हम लोग कवर करेंगे टोटल 187 किलोमीटर और इसको हम लोग कवर करेंगे 1 घंटे 45 मिनट में। भाई साहब अभी टाइम देख लो, 6:05 हो रहा है और ट्रेन में बैठते ही, मतलब ट्रेन में बैठे हुए 20 मिनट हुआ होगा हमें और ये सब कुछ आ गया है। देख लो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। हम लोगों ने हमेशा की तरह एक वेज और एक नॉन वेज ऑप्शन चूज़ किया है, तो नॉन वेज में दिखा देते हैं क्या क्या है। नॉन वेज में सबसे पहले तो ये एक चिकन रोल है, ये सालसा है, केचप, सैंडविच, सॉल्टेड कैश्यूज, मारी बिस्कुट और एक कोकोनट बर्फी, साथ में सैनिटाइजर वगैरह भी है। एक हमें नींबू पानी भी मिला है, ये काफ़ी अच्छा है। और वेज में भी सब कुछ सेम है, छोले कुलचे मिले हैं। भाई ये चीज़ होता है ना, ट्रेन में मिल रहे हैं छोले कुलचे। तो देख लो जी अभी मैंने क्या किया है ना, ये जो हमें स्नैक्स मिला था सभी का ढक्कन हमने हटा लिया है। वेज वाले में मिला है छोले कुलचे और नॉन वेज में चिकन रोल, साथ में सालसा, सैंडविच वगैरह भी है, ये तो बाद में खाएंगे। ये काफी बढ़िया लगा मेरे को, कैश्यूज, बाकी काफी कुछ मिला है और मैंने एक ही साथ सब रख लिया ताकि दिखने में अच्छा लगे। चलो एक काम करते हैं, दोनों ही टेस्ट करते हैं, बाद में बता देंगे किसका टेस्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो देख लो कुछ ऐसा इनका चिकन रोल, ये जो ऊपर का पराठा है नो डाउट ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अंदर जो चिकन है ना उसको काफी च्यू करना पड़ रहा है, इसके साथ अच्छा लगेगा। अब इसको मैंने सालसा में डिप कर लिया, साथ अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन ट्रेन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और मैं बता सकता हूँ पहली बार मैं किसी ऐसे ट्रेन में हूँ कितना डिफरेंट टाइप का खाना मिला है, इससे पहले ऐसा मिला है कभी? एक चीज़ है सरप्राइज़, क्या क्या है ये? ये कुछ बड़ा टाइप से, इसके अच्छा ये दो छोले कुलचे तो हैं ही, साथ में ये क्या है? ये कोई दाल का बड़ा होगा, दाल बड़ा है क्या? आलू टिक्की जैसा लग रहा है कुछ, और हम बता रहे छोले देख कर लग रहा है काफ़ी टेस्टी है। एक बार ट्राई करो बताओ। और बटर लगा हुआ है ना इसमें? ऑलरेडी इसमें बटर वगैरह भी लगा हुआ है, ये देखकर बहुत टेस्टी लग रहा है यार। देख लो वो मैं बता रहा था ना, छोले कुलचे देखकर ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी अगर आते हो ना इस ट्रेन में, वेज का ऑप्शन चूज करना, काफी बढ़िया खाना मिलेगा। कैसा है आलू टिक्की है ना, कैसा है? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। खाना एक नंबर और ट्रेन भी अभी तक देखकर एक नंबर ही लग रहा है। और अभी इवनिंग के टाइम में ना अच्छा भी लग रहा है ये सब चीज। छोले कुलचे एक नंबर। लो जी ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा। वैसे इस ट्रेन का मथुरा में कोई स्टॉप नहीं है, बाहर देख लो काफी बढ़िया सनसेट हो रहा है अभी। ये अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन। भाई साहब अभी मैं भाग के ना बाहर की तरफ आया हूँ आपको स्पीड दिखाने के लिए ट्रेन का। अभी तो 140 चल रहा है, ये नीचे में मैक्सिमम स्पीड एक बार आप चेक करो, 166 किलोमीटर पर आवर। भाई ये ट्रेन चल नहीं रहा है, ये ट्रेन भाग रहा है। हम लोग बोलते हैं ना अच्छा चलती है ये ट्रेन भाग रही है भाई, भाग रही है। और साफ सफाई का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जा रहा है, देख लो बढ़िया है भाई साफ सफाई। वॉशरूम में अभी गया था, काफी बढ़िया, मैं दिखाऊंगा आपको जाके। भाई अपना ट्रेन जब से निकला है ना तब से वही 150-160 इसी स्पीड में चल रहा है, फिर भी शायद हमारा ट्रेन डिले ही है। ये देख लो अभी भी 5 मिनट डिले दिखा रहा है। कोई नहीं, मेरे को लग रहा है टाइम पे हो जाएगा, मेकअप कर देगा। अभी भी है 8 मिनट हमारे पास और 22 किलोमीटर बचा हुआ है। क्या लगता है 22 किलोमीटर कवर कर पाएगा 8 मिनट में? देखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ गतिमान एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास के वॉशरूम में। जैसा भाई फर्स्ट एसी या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास का होता है शताब्दी वगैरह में, वैसा ही वॉशरूम सेम है। यहाँ पे मिरर है, पानी वगैरह सब आ रहा है। पानी इतना गर्म क्यों है भाई? बाकी ठीक है, जितना क्लीन होना चाहिए उतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। वॉशरूम काफी बढ़िया है और थोड़ी देर में अभी हम लोग पहुंचने भी वाला है। जिस दिन जल्दी पहुंचना था उसी दिन लेट हो गया। आज हम लोग को कहीं और जाना है लेकिन लेट। मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिसीव करना है दिल्ली से, लेकिन लेट हो गया। वहाँ मुझे पहुंचना है 8:30 बजे से पहले और टाइम देख लो 8 बजने वाला है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली में, मुझे जाना है सीपी और ये ट्रेन जाएगा हजरत निजामुद्दीन, फिर वहाँ से मेरे को होटल में चेक इन करना होगा। हम खुद लग रहा है चेक इन नहीं करते हैं, डायरेक्ट वहीं चलते हैं। लो जी फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ट्रेन यहाँ पे आया 35 मिनट डिले, तो यही अपना ट्रेन था देख लो। सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से सीपी।
कल रात में हम लोग इसी होटल में चेक इन कर लिए थे, लेकिन चेक इन करते करते काफी टाइम लग गया। मैंने बताया ना मुझे कहीं एक और जगह जाना था सीपी में ही, जब मेरे को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा तब मैं आपको वो दिखा दूंगा कि मैं क्या रिसीव करने गया था। फिलहाल जो भी बोलो, गतिमान में जर्नी करके ना काफी अच्छा लगा, सर्विस भी बहुत अच्छा था। मतलब इतने छोटे, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैं लिटरली, मेरे को ऐसा लगा था ना कि कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स आइटम सब मिल जाएगा, वही बहुत है। हल्का फुल्का मतलब क्या होता है ना, चाय नमकीन ये सब दे देंगे, वही बहुत है। लेकिन भाई आप देखो, प्रॉपर उन्होंने एक मील दे दिया, छोले कुलचे पता नहीं क्या क्या। वो जो मैं चीज रिसीव करने गया था ना, चार पांच दिन बाद मैं अपने इंस्टा में अपडेट दे दूंगा, तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। वैसे तो आपने देखा हम लोग इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने पे किया था पर पर्सन 1485 रुपीज। और अगर आप इनके चेयर कार्ड से आते ना तो आपको पर पर्सन पे करना पड़ता 755 रुपए। खैर कोई बात नहीं, चलो ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। अगर यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yeah, ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera.